कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बटोगे तो कटोगे वाले बयान पर पलटवार किया है। उनका कहना है कि बांटने वाले भी तुम हो और काटने वाले भी। उन्होंने आरोप लगाया है कि यही बीजेपी आरएसएस का एजेंडा है और इससे पहले योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। ताकत का एहसास कराइए और ताकत का एहसास कराएंगे। जय पत्थरबाज है, सड़कों पे आपके लिए झाड़ू लगा करके रास्ता साफ करते हुए दिखाई देंगे। ये बजरंगी पताका हर घर में पहराई हुई दिखाई देगी और उस ताकत का एहसास कराने के लिए ही ये चुनाव आपके पास है। बंटिए मत जातियों में। बटेंगे तो कटेंगे, किसको बोला? बांटने वाले ही तुम हो और काटने वाले भी तुम हो, और दूसरों को बोल रहे बटेंगे तो कटेंगे। हुकूमत तुम्हारे पास, पैसा तुम्हारे पास, बुद्धि तुम्हारे पास, गरीबों को क्या दिए आप? इनको गुलाम रखने का तुम्हारा इरादा है? ये बीजेपी का एजेंडा है, आरएसएस का एजेंडा है, इस एजेंडे को तुमको तोड़ना है। जब तक इसको आप नहीं तोड़ेंगे, तुमको ये लोग शोषण करते रहेंगे। तो झारखंड में आपने दोनों ही बड़े नेताओं के बयान को सुना, वार पलटवार को सुना। झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज एक के बाद एक बार तीन जनसभाओं को संबोधित किया। विपक्षी दलों पर हमला बोलते हुए योगी आदित्यनाथ ने अपनी बात को आगे बढ़ाया। योगी आदित्यनाथ ने कहा, अगर बटेंगे तो निर्ममता से कटेंगे, डेमोग्राफी बदली तो शंख नहीं बजेंगे। हालांकि यहां पर यह सरकार से सवाल जरूर पूछा जाएगा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से जरूर पूछा जाएगा कि डेमोग्राफी कैसे बदल रही है, जब बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की ड्यूटी है बॉर्डर पर, तो हेमंत सोरेन कैसे घुसपैठियों को अंदर प्रवेश करा रहे हैं? और अगर हेमंत सोरेन सरकार प्रवेश करा रही है, सीधा आरोप लगाया जा रहा है, तो फिर हेमंत सोरेन को गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा रहा है? अराजक तत्व अब उत्तर प्रदेश छोड़ गए हैं। ताकत का एहसास कराइए, पत्थरबाज झाड़ू लगाते नजर आएंगे, ये मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ ने आज चुनाव प्रचार के दौरान इस भाषा का इस्तेमाल किया। सुनिए। एक आलमगीर आलम थे औरंगजेब, देश को लूटा था उसने, देश के पवित्र मंदिरों को नष्ट किया था उसने, और दूसरा झारखंड मुक्ति मोर्चा का भी तो एक मंत्री था आलमगीर, जो यहाँ लूट करके जिसके घरों में नोटों की कंडी, यहाँ के गरीबों के झारखंड वासियों का पैसा, उसके घरों में कैसे नोट की कंडियां, उसके नौकरों और उसके परिवार के अन्य लोगों के घरों में किस रूप में पड़ी हुई थी। झारखंड के अंदर ये भ्रष्टाचार की चंडी, सुरक्षा में सेंध लगाने वाली, माफियाओं को प्रश्रय देने वाली, अराजकता को, गुंडागिरी को यहां पर बढ़ाने वाली झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस का, आरजेडी का जो इंडी गठबंधन है, ये देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहा है, राष्ट्र के स्वाभिमान के साथ खिलवाड़ कर रहा है। जीनी।